नमस्कार दोस्तों, मथुरा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों हमारा राष्ट्रपति जो टॉपिक वो चल रहा था, इसी श्रृंखला में आज फिर मैं आपके सामने कुछ नए सवाल लेके हाजिर हूँ आपके सामने। तो देखते हैं दोस्तों कि इसका जो आज का पहला जो सवाल है बहुत ही प्यारा और सिंपल सा सवाल है। भाई देखो सवाल क्या है, सवाल है कि निम्न में से किस महिला ने भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। भाई आजकल इस तरह से एग्जाम में सवाल आने लगे दोस्तों कि निम्न में से किसने राष्ट्र चुनाव लड़ा, ऐसा कौन सा मंत्री भी रहा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी रहा, इस तरह के थोड़े सवाल आजकल घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो एक बहुत ही जनरल सा सवाल है ये, लेकिन हमें आना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं आता है। मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें पूरी चीज पढ़नी पड़ेगी कि भाई भारत में जैसे आज तक 15 बार राष्ट्रपति के चुनाव हो गए 1952 से लेके, और अब तक है 15 बार राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, तो इनमें किन किन महिलाओं ने कौन कौन से टाइम इसमें भाग लिया और कौन कौन सी महिला इसमें जीती भी चुनाव, ये पूरा महिलाओं का योगदान हमें राष्ट्रपति चुनाव में ये जानना चाहिए। कि दोस्तों एग्जामिनर कहीं से भी इसमें सवाल पुटअप कर सकता है। तो जैसे ये है कि भाई निम्न में से किस महिला ने भारत का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है श्रीमती लक्ष्मी सहगल, दूसरा है श्रीमती मीरा कुमार, फिर है श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी, और चौथा है इसमें श्रीमती फूल चरण कौर। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन बताऊं आपको कि देखो ये जो चारों की चारों जो महिलाएं इसमें दे रखी है, इन चारों की चारों ने क्या किया भाई, राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने भाग लिया है। इन चारों की चार ही महिलाओं ने क्या किया, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया है। तो इसका मतलब है कि भाई सीधा सीधा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी ये हो गया। भाई सिंपल सी बात है, जब चारों महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, हालांकि जीतना वो अलग बात है लेकिन चुनाव में भाग लेना अलग बात है, तो इन चारों महिलाओं ने लिया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या इनके अलावा और भी महिलाएं हैं क्या जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक छोटी सी इसके लिए एक स्लाइड बनाई है, वो देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों ये हमारी बुक में दे रखा पूरी की पूरी इसकी लिस्ट है, और इसको मतलब पूरा उसका वहां पे इसकी विस्तृत व्याख्या भी कर रखी है, लेकिन मैंने आपके साथ एक छोटा सा डायग्राम पेश किया है, हमारे बुक का ही एक चैप्टर का पार्ट है ये। तो देखो अभी तक तो जो कुल है भाई 6 महिलाओं ने भाग लिया है, राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ है उसमें अभी तक तो क्या है कि 6 महिलाओं ने भाग लिया है। अब वो जो 6 महिलाएं हैं वो कौन कौन सी है, देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ दोस्तों पहली बार हुआ था 1952 के अंदर, तो 1952 के अंदर पहली बार चुनाव में भाग लेने वाली महिला कौन होगी तुम्हारी, श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी, श्रीमती कृष्ण कुमार चटर्जी। और ये राष्ट्रपति का पहला इलेक्शन था, और भाई ये कब हुआ था, 1952, 1952 में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार महिलाओं ने या महिलाओं ने कब भाग लिया। तो दोस्तों कब भाग लिया भाई, 1952 में जब पहली बार हुए तो इनको पहले में भाग ले लिया। ठीक है, दूसरा है श्रीमती मनोहरा होलकर, मनोहरा होलकर ने क्या किया कि 1967 में आपका जो चौथे राष्ट्रपति के जो इलेक्शन हुआ इसमें इन्होंने भाग लिया। फिर आ गई आपके थर्ड नंबर पे श्रीमती फूल चरण कौर, ये 5वें इलेक्शन के अंदर इन्होंने भाग लिया, और 1969 के अंदर इन्होंने इसमें भाग लिया था। इसके बाद में आपकी जो चौथी है वो है श्रीमती लक्ष्मी सहगल, ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल है, और ये 12वें राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने भाग लिया था, और ये राष्ट्रपति चुनाव दोस्तों कब हुआ था, ये 2002 में हुआ था, 2002 में हो गया। और श्रीमती प्रतिभा पाटिल, देखो दोस्तों श्रीमती प्रतिभा पाटिल इन्होंने 13वें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, कब लिया था भाई, 13वें नंबर के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था, और ये कब हुआ था, 2007 में, 2007 में हुआ था। अब देखो श्रीमती प्रतिभा पाटिल है ये भारत के अंदर पहली बार क्या बनी, महिला राष्ट्रपति बनी, एक सवाल तो ये बन गया।
पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी और बोला कब बनी, ये बनी भाई 2007 में, कब बनी 2007 में, मतलब 1952 से इलेक्शन स्टार्ट हुआ लेकिन महिला जो पहली बार कब बनी भाई आपकी 2007 के अंदर बनी। और बोला राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो कौन से नंबर का था, तो दोस्तों वो कौन सा था आपका, ये 13वें नंबर का था। कौन से नंबर का था, ये 13वें नंबर का, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। ऐसे सवाल बनते हैं आजकल, वो नहीं आता कि साहब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, वो जमाना गया, थोड़े सवाल अभी अलग टाइप के आते हैं, है ना। इसलिए तो आपको विस्तृत स्टडी मतलब करनी ही पड़ेगी। और देखो अभी जो 2017 में जो आपके 15वें नंबर के इलेक्शन हुए, इसमें भाग लिया आपके श्रीमती मीरा कुमार ने, श्रीमती मीरा कुमार ने इन्होंने भाग लिया था 2017 के अंदर, 2017 में भाग लिया था। अब मीरा कुमार कौन थी भाई, अब मीरा कुमार जो हम ये कहें कि लोकसभा, जो लोकसभा अध्यक्ष मतलब भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और इन्होंने 2017 में क्या किया था, इन्होंने आपके इसमें जो राष्ट्रपति चुनाव था इसमें भी इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। अब देखो ये जो आपकी जो मीरा कुमार है, मीरा कुमार है दोस्तों, अब इसको भी अपना ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई, सवाल तो यहां से भी बन सकता है ना मीरा कुमार को। देखो दोस्तों बताऊं आपको, एक बार एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये एग्जाम भी 2017 के आसपास ही हुआ था, ये जब चर्चा में थी मीरा कुमार, तो उसमें एक सवाल पूछा गया कि बताओ निम्न में से संविधान सभा ने, संविधान सभा के किस सदस्य ने आरक्षित सीट से संविधान सभा की सदस्यता प्राप्त की, और उसका राइट आंसर था जगजीवन राव भाई, जो भारत के जो श्रम मंत्री थे दोस्तों, जगजीवन राव। अब भाई सवाल तो ये था कि ये जगजीवन राव संविधान सभा का, ये उस जमाने की बात है, लेकिन इसको प्रेजेंट टाइम में पूछा, लेकिन दोस्तों देखो इसको करंट से जोड़ के पूछ लिया। वो कैसे पूछ लिया, कि जो जगजीवन राव की पुत्री कौन है, ये है आपकी मीरा कुमार जी है। और ये क्या थी कि एक तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी, दूसरा इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, तो उस समय चर्चा में थी, चर्चा में थी। तो इसने क्या किया, आपका जो पेपर सेटर होता है उसने डायरेक्ट यहां से सवाल न बना के इससे संबंधित दूसरा सवाल वहां पे पैदा कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे इनडायरेक्ट उससे सवाल भी आते हैं, तो थोड़ा इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आजकल एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं, थोड़े आर्पिटी टाइप के आते हैं, तो थोड़ा हमें अलग से इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखो हमारी जो बुक्स आती है दोस्तों, इसमें प्रत्येक इसका मतलब पूरा डिटेल दे रखा है भाई, ये लक्ष्मी जी सहगल है, वो जो आपके सुभाष चंद्र बोस है उनके फैमिली से है, मतलब आजाद हिंद फौज में इनका क्या योगदान है, ऐसा हमने इसके अंदर पूरा डिटेल दे रखा है दोस्तों, है ना। तो अगर आपको ढंग से और इसको विस्तृत ढंग से पढ़ना है ना, तो आप इसके लिए हमारी बुक ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट सवाल है अगला अपना आज का, देखो सवाल है कि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर चार कथन दे रखे हैं। पहला कथन तो क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, दूसरा है 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, तीसरा स्टेटमेंट आ गया कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया, और चौथा और अंतिम स्टेटमेंट है कि 1982 में राष्ट्रपति के दायित्वों का क्या कहना उन्हें निर्वहन किया। कि तो अब इसमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है। अब देखो दोस्तों अगर आपको ये आपके जो मोहम्मद हिदायतुल्ला है, अगर इनके बारे में आपने पूरा पढ़ा है तो ही क्या करोगे दोस्तों, आप इसका आंसर दे पाओगे, वरना इसका आंसर नहीं दे पाओगे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से सवाल पूछते हैं आजकल एग्जाम के अंदर कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, इनके संबंध में कौन सा गलत है। भाई हो सकता है कि आपको एक दो फैक्ट तो याद हो उसके बारे में, लेकिन पूरी चीजें अब थोड़ा याद रखनी जरूरी है, क्योंकि सवाल इस तरह से आते हैं, अगर आपको एक चीज भी नहीं आती ना तो आप सवाल को कर ही नहीं पाओगे, मेरी बात समझ ना आप लोग। तो देखो इसको हम देखते हैं, तो सीधी सी बात है कि भाई देखो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल ये उस पद पे रहे थे आपके यो मोहम्मद हिदायतुल्ला, दूसरा है 1969 के अंदर ये क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किया इन्होंने काम किया था बिल्कुल, और ये भारत के बिल्कुल उपराष्ट्रपति भी चुने गए बाद में, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी ये बने, और देखो 1982 में राष्ट्रपति के दायित्व का क्या इन्होंने निर्वहन भी किया बिल्कुल, उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी वो बीमार हो गए थे, अपना इलाज कराने के विदेश चले गए थे,
तो उस समय ये उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रपति की थी वो ड्यूटी इन्होंने संभाली थी, है ना। तो ये देखो चारों के चारों दोस्तों कथन सही हो गए, इसके चारों कथन सही हो गए और आपने आंसर बिल्कुल आ जाएगा उपयुक्त सभी, भाई सारे सारे कथन सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि 1969 में वीवी गिरी द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और 1982 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के बीमार पड़ जाने पर जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के दायित्व का भी क्या किया था, इन्होंने निर्वहन किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये फैक्ट हमें बिल्कुल ध्यान रखने होंगे और एक अच्छी किताब से पढ़ोगे तो बिल्कुल सारे आपको फैक्ट एक जगह मिल जाएंगे दोस्तों, है ना। आपको ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको वहीं पे उसके फैक्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको उनके जो एमसीक्यू टाइप के जो होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, आपको वो भी वहां पे मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों ये सारी की जो चीजें है बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ये जो बुक आती है सुनीता पब्लिकेशन से आपकी सेकेंड ग्रेड की, जो फर्स्ट पार्ट है जीके वाला, बिल्कुल ये इसमें सारी की सारी चीजें दे रखी है और बिल्कुल जो वर्तमान में जो आपकी जो परीक्षा पद्धति चल रही है दोस्तों ये उसी के अकॉर्डिंग लिखी गई है आपकी, मतलब पूरी की पूरी उसके अंदर ये सब चीजें उसमें क्या है समाहित की गई है ना दोस्तों। तो मेरा तो कहना है एक बार हमें ये किताब जरूर देख लेनी चाहिए। आगे देखते हैं आज का जो तीसरा सवाल है, देखो अब तीसरा सवाल क्या कहता है हमारा कि देखो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका कौन निभाता है, निर्वाचन अधिकारी। भाई जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसमें एक निर्वाचन अधिकारी कौन होगा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा सिंपल सा सवाल है ना। तो देखो ऑप्शन है लोकसभा महासचिव, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब बता दो दोस्तों मैं ये जो हमने जो सोर्स लिया है ना आपकी नवी की किताब से लिया है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी SST की बुक है ना, ये बिल्कुल हमने ये वहीं से लिया है दोस्तों। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना, लेकिन आप मैं बताऊं आपको ये 9th क्लास किताब से हमने उठाया वहां से, है ना। तो देखो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होगा तो निर्वाचन अधिकारी के रूप में क्या होगा कि भाई लोकसभा जो महासचिव है वो क्या करेगा, निर्वाचन अधिकारी बन जाएगा। ठीक है, तो दो आपको पता कि संसद के अपन क्या दो सदन है भाई, हमारी ये संसद है दोस्तों और इसके क्या हो गए दो सदन हो गए, एक तो हो गया आपका लोकसभा हो गया और दूसरा हो गया आपका राज्यसभा, दूसरा कौन सा हो गया आपका राज्यसभा होगा। अब आपको पता है कि भाई लोकसभा के अंदर भी क्या होता है महासचिव होता है और राज्यसभा के अंदर भी महासचिव होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों हर बार लोकसभा का जो महासचिव होता है वही निर्वाचन अधिकारी नहीं होता। यहां पे क्या व्यवस्था की गई है कि भाई जैसे अब की बार तो जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ है तो एक बार तो कौन करेगा, लोकसभा का महासचिव करेगा क्या, ये निर्वाचन अधिकारी का काम, लेकिन जो नेक्स्ट बार चुनाव होगा उस समय ये नहीं करेगा, फिर क्या है कि आपके राज्यसभा का जो महासचिव है वो करेगा। तो एक बार तो लोकसभा का महासचिव और एक बार आपका राज्यसभा का महासचिव दोस्तों, ये 9th क्लास की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, मेरी बात समझ हो ना। आपको पता है कि हमारे जो आजकल जो सवाल आ रहे हैं एग्जाम में वो कहां से आ रहे हैं, इन्हीं बुक से आ रहे हैं दोस्तों। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत होता है, 1952 के तहत होता है दोस्तों। ये लाइन हमने वहां एजिट ऐसे कैसे उठाइए ध्यान रखना है ना। तो राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कौन सा है वाला 1952, इसी के तहत क्या करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में एक बार लोकसभा महासचिव और दूसरी बार राज्यसभा महासचिव निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाता है दोस्तों। देखो कितनी अच्छी बात बताई इसने, है ना, एक बार तो तुम्हारा लोकसभा का और एक बार कौन है तुम्हारा राज्यसभा का। और देखो भाई 2017 में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें तो क्या हुआ था, ये तुम्हारा जो लोकसभा है उसका जो महासचिव है उसने निर्वाचन अधिकारी की यहां पे क्या हुई थी भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जो ही आपका 2022 में होगा, 2022 में राष्ट्रीय चुनाव होगा तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो राज्यसभा है ना उसका महासचिव अब की बार क्या करेगा यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की यहां पे भूमिका निभाएगा। तो एक बार लोकसभा का और एक बार राज्यसभा का महासचिव यहां पे निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है ना। अगर आपको फिर और ढंग से पढ़ना है, इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो दोस्तों हमारे पास समय भाव है, हम आपको पूरे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करा पाते क्योंकि दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी हम क्या है कि आपके भले के लिए हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे इस बुक के अंदर दे रखे, बहुत ही अच्छा इसमें मतलब हर चैप्टर के प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल इसमें ढंग से समझाया गया है। तो एक बार इस बुक को ले लीजिए आप लोग, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। बिल्कुल जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन सबके लिए बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। और अगर किसी को किताब आसानी से नहीं मिल रही हो तो बिल्कुल आप हमारे जो नंबर दे रखा है इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी भाई, आपको बुक कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए दोस्तों, जल्दी वैकेंसी आने वाली है, आपके जो सपने हैं उनको साकार करने का टाइम अब आ चुका है। तो दिन रात मेहनत कीजिए दोस्तों, अच्छी बुक्स पढ़िए और अपने माँ बाप, अपने जो चाहने वाले हैं उनके सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सवालों को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।